ये अर्जुन की प्रायश्चित यात्रा तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों मामाश्री? प्रायश्चित यात्रा विवाह करने के लिए नहीं होती अंगराज, और उसने तो एक विवाह हमारे मित्र मगध नरेश के पिछवाड़े ही किया है। पांडव घेरा डाल रहे हैं अंगराज, घेरा। मामाश्री, आपको तो ये पांडव घुन की भांति चाटे जा रहे हैं। उठते बैठते आप उन्हीं के नाम का जाप करते रहते हो। देखो पुत्र दुर्योधन, मूर्खों की भांति सोचे समझे बिना हंसा ना करो। तुम ही बताओ, अर्जुन का धनुष द्रौपदी के कक्ष में भला क्या कर रहा था? ये सब पूर्व निर्धारित लगता है। वासुदेव कृष्ण ने कोई लंबा खेल खेला लगता है। मामाश्री का कहना ठीक ही लग रहा है भ्राताश्री। मैं तो सदा से ही कह रहा हूं कि क्षत्रियों को क्षत्रियों की चाल चलनी चाहिए, अर्थात सीधे रणभूमि की ओर जाना चाहिए। तुम रणभूमि के अतिरिक्त कुछ और भी सोच लिया करो अंगराज कर्ण। रणभूमि क्षत्रिय की ससुराल होती है, और अपनी ससुराल में पूरी तैयारी करके ही जाना चाहिए। इसलिए इस रणभूमि के लिए पूरी तैयारियां आरंभ कर दो मेरे पुत्रों। अर्जुन अब भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच चुका है, अर्थात वो अपनी यात्रा द्वारिका में ही समाप्त करेगा। तो द्वारिका हमारा क्या बिगाड़ लेगी मामाश्री? नहीं कर्ण, नहीं। द्वारिका को अपनी मुट्ठी में रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी एक ओर मणिपुर है और दूसरी ओर द्वारिका। यदि वसुदेव की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए तो समझ लो कि ये उनके विवाह राजने का मुंह तोड़ उत्तर होगा। विवाह राजने? हां पुत्र, हां, विवाह राजने। जो घराना अपनी पुत्री देगा वो विरोध में तो नहीं खड़ा होगा ना? ये जो तुम देखते हो कि प्राचीन काल और आधुनिक काल में राजाओं और महाराजाओं के राजभवन रानियों और पटरानियों से भरे हुए हैं, ये केवल उनकी कामुकता संतुष्ट करने के लिए नहीं है। ये विवाह है मैत्री व्यू विवाह, जिनसे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं। तो फिर मामाश्री, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें भी विवाह करना चाहिए भांजे दुर्योधन। परंतु किससे मामाश्री? वसुदेव की पुत्री सुभद्रा से।